बड़ी खबर आ रही है जिला कटनी के सलीमनाबाद में भाजपा मंडल की बैठक का हुआ आयोजन। नवीन कार्य समिति की बैठक का आयोजन सलीमनाबाद के पंचायत भवन में किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के आह्वान पर भाजपा जिलाध्यक्ष राम रतन पायल व कार्यक्रम मंडल प्रभारी श्री राम कृपाल यादव और सलीमनाबाद मंडल अध्यक्ष सुनील रतन गुप्ता विजय शुक्ला की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई। भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए प्रशंसा की एवं भाजपा मंडल सलीमनाबाद के सभी पदाधिकारियों, वरिष्ठ जनों व मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, बूथ अध्यक्षों, पालक संयोजकों एवं समस्त लोगों की इस दौरान उपस्थिति रही। मध्य प्रदेश के कटनी जिले से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। आज सलीमनाबाद मंडल की नवीन कार्य समिति की बैठक थी। जिला की बैठक के बाद हमारे जिले के सभी मंडलों की कार्य समितियों की बैठकें हो रही हैं। सलीमनाबाद में भी इस मंडल की बैठक में मुझे मुख्य वक्ता के रूप में भेजा गया था। भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चरित्र और आचरण को हमने देखा। सभी कार्यकर्ताओं को इस विषय पर जानकारी दी गई। हमारी केंद्र सरकार की, जो हमारी केंद्र सरकार है, उसने जनता के हित में कौन कौन योजनाएं चला रखी हैं, किस किस का लाभ आम जनता को मिल रहा है और उस बारे में आगे भी वो काम कर रहे हैं, चिंतन कर रही हैं। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जनता के हित में बड़े बड़े काम कर रही है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, शिक्षा के लिए, हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया है। इन सब बातों की जानकारी दी गई और सभी लोगों से आग्रह किया गया कि सब लोग जाकर के जनता के हित में, जनता के सहयोग के लिए तत्पर रहें, अपना योगदान दें।